और जो दंभ भक्ति है, जो झूठ भक्ति है, वो कहते भगवान प्रणाम कर देंगे, बोलो जय श्री राम। ये लीजिए भगवान को प्रणाम करो। लेकिन राम जी मन में विचार उत्पन्न हागो के जाओ, इनको कही के जाओ कि भैया यदि मैं इनको सीता जी आक्रम तकली भजन तो मैया की पत्नी कशी कौन, और यदि मैं इनको मैया कहूं तो इन्होंने मेरे पत्नी रूप धारण कर रहा हूं, तो पत्नी रूप धारण करने वाले मैं मैया कशी कह सकूं नहीं। और जैसे उन्होंने प्रणाम करो, प्रणाम करते ही राम जी सती मैया थी के को मालूम छे, उनको प्रणाम करवे कहो कि मैं तुमको प्रणाम करूं पर मेरे बाबू शंकर का चल तुम ये गलत कह रहा है, इनको माताजी नहीं कोई पर शंकर के पिता के दीवान। और इतु जब सुनो सती मैयाल, और सती मैयाल मामा दौड़ लगे दे, एक क्षण वा रुकी न महाराज, एकदम भागदार छिपे नहीं मांगने, ये चंचल नारी के उन्नीस है अकबर, ये कर्म छिपे न बभूत राम पर भवक नम बेष्ट दो तीर्थास्वदं शिव विरंचनकं शरणं भक्त्यार्दिहुं प्रणतपालं भवाधिगौतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सावणी कुछ दूर जगह एक क्षण रुकी और अपन मन में सोचने लगी सती मैया कि मैं शंकर कर कहा दिगंबर ब्याली पहन लो के सहूर नीचू पे दिगंबर एकदम नंगड़े घूमते रहो महाराज सदगुणों में छन्ना चिता भस्म राम 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 वो बता तुमको नारद जी। ये लीजिए देवी तुम हिमालय पुत्री छा। नारद सिख जे सुनई नर नारी अवसी होई तजी भुवन भिखारी, ये नारद आज्ञा जेल ने मानी ने वो भिखारी बन गो, के बन गो भिखारी। और पति ने बताया तुमको शंकर राम 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 राम, पहनने लीजिए जेपार लुगुण नीचे, खाने लीजिए जेपार भोजन नीचे, देखण में बिल्कुल न सुंदर नीचे, और उम्र उम्र के भी कोई ठिकाना नीचे, जन कदू उम्र छे बुढ़ छे एकदम है। भगवान नारायण तुम्हारे पति आ सकनी, शिवजू बात छोड़ो समाधि त्यागो। पार्वती उन्हें बात सुनके हसन लागी और दृढ़ताल को श्रद्धा वीचू जो दृढ़ हो मारा कौन तुझे हाथी कौन
कूदे काल की कौन कूदे हाथी घोड़ा कौन कूदे हाथी घोड़ा कौन कूदे काल की कौन कूदे हाथी घोड़ा छोरन तू हाथी घोड़ा छोरन तू हाथी घोड़ा घोड़न को काल की अवध करे अनंत मर जाए राजा अवध करे ओ सल्या हित काल हरि प्रकट कृपाना सूर्योदय है, सूर्योदय है गोची महाराज सारी सूर्य के लाल बिंब क्षितिज पर छह रची हनुमान जी, हनुमान जी फल समझ वेर सूर्य के खाए दौड़े अव्यक्ततम तथा सूर्यो बालो दृष्टवा तीनों लोकों में वायु संचार बंद कर दे तीनों लोग अकुला गो महाराज तब सब लोग पवन देव जी पास गई और पवन देव जी को यही दिन राम जन्म श्रुति का निवेदन कर वेर अयोध्या लाई गो वशिष्ठ जुल श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा दशरथ जी घर में यज्ञ करवा पुत्र कामिष्ट यज्ञ प्रारंभ हो जहाँ वशिष्ठ दशरथ जी आचार्य हो श्रृंगी जस महान ऋषि जहाँ विराजमान हो जहाँ राजा दशरथ जी धर्मनिष्ठ राजा यजमान हो वो यज्ञ में स्वयं देवता हविर्भाग ग्रहण करने का ओम पूर्णा गर्भ्यपरापत सु पूर्णा पुनरापत भस्मेन विक्रीण वह इकमूर्जगु शतक्रतोत् स्वाहा जस्य पूर्णाहुति देवताओं को वरदान देने और असल सहित मनुज अवतारा ले हो दिन कर वंश उदारा हरिओ सकल भूमि करियाओ निर्भय हो देव समुदान ये देवतो करुण और पृथ्वी भार को उतारो तुम चिंता नहीं करो भगवानों वरदान सुन के पृथ्वी में यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है नारद जी श्राप के सत्य करने लीजिए भगवान अवतार धारण करनी और हम उन्हें सहायक हूँ यश उज्वेर पृथ्वी पर देवता लोग जाता बानर भालू रूप में विराजमान है बोलो जय श्री राम परमात्मा सु